मेहनत कई के केतना रुपया कमाईबा, आचारा के सुख बबुआ कतही न पाईबा। होंगे, आपकी शादी हो गई है कि नहीं बताइए? नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? चार बहने का झुलनिया भोले दे दी है, दिलना कौन सब दिन के मछरी के जैसे तड़प जवानी, रहुआ से पिया हम साच को दानी। दोस्तों, एक बार फिर से भोजपुरी कलाकारों के इंटरव्यू के सफर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे साथ एक ऐसी कलाकारा जिनका वीडियो अगर यूट्यूब या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डाल दिया जाए तो मिलियन के नीचे नहीं रुकता है, ऐसी कलाकारा हमारे साथ है। वो कोई बहुत नामी गिरामी नहीं है, ना ही इनका कोई नाम है, ना कोई हीरोइन है, ना कुछ है, लेकिन एक गांव से आती हैं, एक गरीब तबके से आती हैं और उनका गाना आज सोशल मीडिया पर मिलियंस में चलते हैं। हमारे साथ हैं रंजनी विश्वकर्मा। रंजनी विश्वकर्मा हालांकि बहुत दिनों से गा रही हैं, बड़ा ही संघर्ष रहा है इनका, लेकिन हम इनके संघर्षों की कहानी इन्हीं से जानेंगे। इनको कहां से प्लेटफॉर्म मिला, कैसे ये सोशल मीडिया पे आई और इतना फेमस हो गई, अब इनके गाने अगर कहें तो मिलियंस में चलते हैं। तो हमारे साथ हैं, आइए मिलाते हैं हम इनको। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, मेले में वहीं पे शुरू से गा रहे थे, बजा रहे थे। कहाँ गाती थी आप? मेले में। अच्छा, मेले में गाती थी, उसके बाद फिर ट्रेन में गाते थे। अच्छा, देखिए, ट्रेन और मेले में गाने वाली लड़की आज हमारे साथ है जिसका मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? पापा हैं, मम्मी हैं, भाई हैं, बहन है। तो कैसे, पापा क्या करते हैं आपके? करपुत्री के नाच नचाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब सब लोग जैसे उसी में है, आप गाना गाती हैं, पिताजी कलपुत्री जो कठपुतरी वाला जो नाच होता है वो करते हैं, सब लोग ऐसा ही काम करते हैं, है? परिवार में सब लोग ऐसे हैं। हाँ। तो ट्रेन में क्यों गाती थी, मतलब जैसे कि लोग मांगते हैं पैसा वैसा, वैसे ही करती थी आपने? हाँ, मेले में कमाई नहीं हो रही थी तो ट्रेन में घूम रहे थे। हाँ, हाँ। गा रहे थे, बजा रहे थे, दो पैसे कमा रहे थे। तो कैसे लगा कि इस पे कैसे आ गए, कौन लेकर आया कि नहीं आप गाइए, हम आपका वीडियो बना के, कोई पहली बार डाला होगा, कौन कोई था ऐसा? यशवानी। अच्छा, तो उन्होंने डाल दिया आपका? हाँ, वीडियो तो उन्हीं ने डाले हैं। फिर बाद में दिवाकर जी आए हैं तो सपोर्ट करने लगे हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश की हैं। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत नमन। देखिए, अगर हम कहें तो, अच्छा, पढ़ाई लिखाई कितना तक हुई? हम पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं। अच्छा, हम शुरू से ढोलक लेके भाग रहे थे, मम्मी पापा पढ़ा रहे थे बाकी नहीं पढ़े। कितना छोटी सी उम्र थी आपकी जब आप ढोलक लेके निकल गई? हमारी उम्र हमको पता नहीं है। अच्छा, देखिए, उम्र भी नहीं इनको पता है, उस उम्र में ये ढोलक लेके निकल गई रास्ते पर ट्रेनों में, एक तरीके से कहें तो भीख मांगती थी ये लड़की। अब इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है और तमाम इसके जो गीते हैं काफ़ी वायरल है यूट्यूब पे, और करती क्या है, बहुत ही नॉर्मल ढंग से ढोलक बजा के गाती हैं। ट्रेन में गाती थी, कहीं मेलों में बैठ के गाती थी ताकि दो पैसे मिले और उसी से अपने घर का खर्च चल पाए, जीवन यापन चल पाए। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया पे किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम एक गाना सुनना चाहेंगे, क्या सुनाएंगे आप? भजन सुनिएगा कि भोजपुरी? कोई भी आप सुनाइए। मेहनत कई के केतना रुपया कमाईबा, आचारा के सुख बबुआ कतही न पाईबा, सपना न होई कब पूरा ये बबुआ, माई बिन जिंदगी अधूरा ये बबुआ, माई बिन जिंदगी अधूरा। ममता के आचल में हरा के पलली,
दिल गरमाई तुहरा देहिया के मलली अपने न खईनी तोहके खियावाली अपने न खईनी तोहके खियावाली सचली न कबो तोहर बुरा ये बबुआ माई बिना जिनगी अधूरा ये बबुआ माई बिना जिनगी अधूरा दूध हवा के ने की नाही चुकैला ममता भुलाइल तू नारी मियाँ झुरैला केतनो करब कर जान चुकी केतनो करब कर जान चुकी चाहे झुकबै अखिया में धूरा ये बबुआ माई बिना जिनगी अधूरा ये बबुआ माई बिना जिनगी अधूरा। देखिए बहुत ही बढ़िया इन्होंने गाना गाया। इनका स्वर अगर कहें, इनका गले की अगर हम बात करें तो बड़ा ही खूबसूरत सा गला है और गला खूबसूरत है। यही वजह है कि आज जो है आज इनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं इनकी आवाज़ से। इनकी आवाज़ में वो दर्द है, वो जादू है। और बचपन से हम कहें तो भीख मांगा करती थी और आज इंटरनेट ने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया इनको कि आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग इनके गानों से इनको जानते हैं, इनको पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई जो इनका जो सपोर्ट करते हैं, क्या नाम बताया उनका जो सपोर्ट करते हैं आपको? दिवाकर जी। दिवाकर जी हैं जो काफ़ी इनको सपोर्ट करते हैं। इन लोगों का चैनल बना के इनको दिए ताकि इससे उससे दो पैसे इनको मिले और वो देख रेख में रहती हैं ये लोग उनके ही, और गाने वाने गाती हैं, बजाती हैं और ये डालते हैं। उसी से इनको अब उसी से इनको कुछ जो अर्निंग होती है उसी से अपना जीवन यापन चलाती है। अच्छा, अब क्या अब मांगती हैं कि नहीं ट्रेन में? अब नहीं मांगते हैं। अब नहीं मांगते हैं। स्टूडियो वगैरह में गाना होना अब गाना होता है, आप स्टूडियो में गाते हैं। देखिए अनपढ़ हैं, एक हम बता दें तो एक अनपढ़ हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अब जो है स्टूडियो में लोग गाना होना गवाते हैं। रंजनी जी, जो आपका जो गाना है जो अभी फिलहाल में जो रिकॉर्ड होने वाला है अनुराग इंटरटेनमेंट से जो आने वाला है, लॉन्च होने वाला है, वो गाना कौन सा था? उसका दो लाइन हम सुनना चाहेंगे। कि पिया के मरले बिया मथिया जाने कवन सवतिया ना, कि सैया के मरले बिया मथिया जाने कवन सवतिया ना। देखिए यही गाना है जो अनुराग इंटरटेनमेंट पर रिलीज हो जाएगा कुछ ही दिनों में। इनका पहला गाना है जो अब स्टूडियो के माध्यम से लोग रिलीज कर रहे हैं और वीडियो भी हो सकता है आए, ऑडियो भी आए, तो उसको सपोर्ट करिएगा। और हम जानना ये चाहेंगे कि जब शुरुआत हुई आपकी, जब शुरुआत में कौन से गाना, जो कौन सी ऐसा गाना गाए थे आप जो सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो गया? झूम का झूलनिया भल दे दी है, झूम का झूलनिया भल दे दी है, दिल ना कौन सवतिन के दिहा, झूम का झूलनिया भल दे दिहा, दिल ना कौन सवतिन के दिहा, ता ठीक से कमाई है ये राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के मनिहा, प्यार ना भूलई है ये राजा तो ठीक से कमई है ये राजा टाइम से खई है ये राजा बतिया धनिया के मनिहा, प्यार ना भूलई है ये राजा ओह पर के बतिया याद कली है, ओह पर के बतिया याद कली है, दिल ना कवन सवतिन के दिहा, झूम का झूलनिया भल दे दिहा, दिल ना कवन सवतिन के दिहा।
देखिए साथियों, ऐसे जो बच्चे हैं आपको ट्रेनों में मिल जाएंगे, जो ढोलक बजा बजा के, छोटी सी उम्र उनकी होगी, छः सात सालों में ही इनको ढोलक पकड़ा दिया जाता है। पढ़ाई लिखाई से इनको कोई मतलब नहीं है, कोसों दूर हैं, क्योंकि उतना हो सकता है कि उस परिस्थिति में इनके माता पिता न रहे हों कि इनको पढ़ा सकें, क्योंकि इनका परिवार ये इसी सब कलाओं को दिखाकर पैसा कमाता है और अपना जीवन यापन करता है। और जब ये छोटी उम्र रही होगी तभी से ढोलक लेकर और ट्रेनों में भीख मांगती थी बजा बजा कर लोगों से, मेलों में जो बैठकर बजाती थी तो लोग कुछ पैसे देते थे, उसी पैसों से इनका जीवन यापन चलता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, जब सोशल मीडिया का ज़माना हुआ तो किसी ने इनका वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और आज वो इंटरनेट सेंसेशन बन गई। जो रंजनी है, रंजनी जी, हम एक और गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, जो एक रागिनी जी हैं, जो रागिनी विश्वकर्मा हैं, उन्होंने गाया था कि बहुत ही गाना वायरल हुआ था कि मछली के जैसे तड़पे जवानी, ये वाला गाएंगे थोड़ा सा। मछरी के जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम साच गतानी। मछरी पे जैसे तड़पे जवानी, रउआ से पिया हम साच गतानी। जल्दी से छोड़ी आवाटा टायर आजा, जल्दी से छोड़ी आवाटा टायर आजा। चाटता जवानी तेला चाट चाटता जवानी तेला चाट ये राजा। संग ही चटैया बिछैती बलम, अंगूरी से बोर के खियती बलम। अचारा के बेनवा डोलैती बलम, होठाओ के ललिया चिखैती बलम। संग ही चटैया बिछैती बलम, अंगूरी से बोर के खियती बलम। अचारा के बेनवा डोलैती बलम, होठाओ के ललिया चिखैती बलम। रही त तुम ठामा ठाए राजा, रही त तुम ठामा ठाए राजा। चटता जवानी तेला चाट ये राजा, चटता जवानी तेला चाट ये राजा, चटता जवानी तेला चाट। देखिए रंजनी विश्वकर्मा हैं और रंजनी विश्वकर्मा इस समय काफ़ी वायरल हैं और चर्चा में हैं, इसलिए हम इनके पास पहुँचे हैं। अच्छा, आपके जो भाई बहन होंगे, आपकी शादी हो गई है कि नहीं, ये बताइए। नहीं, अभी नहीं हुई है। अभी नहीं हुई है। अच्छा, आपके कितने भाई बहन हैं? चार बहनें हैं, चार भाई हैं। अच्छा, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग भी अभी बच्चे हैं सब। अच्छा, तो जैसे कि आप ट्रेन में मांगती थी, उनको तो अब मांगना नहीं पड़ता है ना? नहीं, वो सब नहीं मांगते हैं। वो सब नहीं मांगते हैं। तो हाँ, उनका खर्च आप देख लेती हैं? हाँ, हम ही संभालते हैं। देखिए, एक बहन है जो अपने चार भाइयों बहनों का खर्च जो है अब खुद संभाल लेती है, क्योंकि अब उस ओहदे पे है और गाना वाना गा लेती हैं, स्टूडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, चैनल से कुछ पैसे आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को ही क्यों ना सपोर्ट किया जाए, जो बेचारे कभी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करते थे। आज किसी ने उनका वीडियो इंटरनेट पे डाला और आज इंटरनेट सेंसेशन बन गई और आज कोई पहचान के मोहताज नहीं है। तमाम जो स्टूडियो में अब इनके गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ऐसी ये अकेली नहीं, ऐसी कई और लड़कियां हैं जो काफ़ी वायरल हैं और अपने परिवार का आप अच्छे से ख्याल रख पाती हैं, अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। तो ऐसे कई लोगों का हम इंटरव्यू अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो हमारे साथ थी रंजनी विश्वकर्मा, जो इंटरनेट सेंसेशन है और काफ़ी गाने सारे इनके गाने वायरल हुए हैं, स्टूडियो में भी इनके गाने रिकॉर्ड हुए हैं, जल्द ही आप लोग को सुनने को मिलेगा। तो इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे कलाकारों को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।